केवल एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे यहाँ आलोचक शब्द या समालोचक शब्द था ही नहीं, हमारे यहाँ संहिता शब्द था। संहिता का अर्थ हृदय वाला नहीं, हृदय तो सबको पास होता है, संहिता का अर्थ समान हृदय वाला। कवि या कथाकार जिस वेव लेंथ पर है, लहरमान पर है, उसके साथ उस लहरमान पर अगर पढ़ने वाला या आलोचना करने वाला भी अगर उसी लहरमान पर नहीं आता है तो वो सहवे नहीं कहा जा सकता। इसलिए जिस लहरमान पर साहित्यकार है रचना प्रक्रिया के दौरान, उस लहर मान पर अगर स्वयं पढ़ने वाला पाठक या तो समालोचक कहेंगे, उस लहर मान पर अगर नहीं पहुंचता है तो समालोचक नहीं होता। इसलिए साहित्य शब्द का अर्थ हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। हम आलोचक नहीं पाया, हम सहृदय समान हृदय उस लहरमान को पहुँचने की क्षमता रखता है। इसलिए मैंने एक श्लोक क्योंकि संस्कृत विभाग बहुत बाद में सेंटर बनाया और सबक सेंटर हो गया था, मुझे राजशेखर की काव्य मीमांसा बड़ी प्रिय है। संस्कृत के चूंकि मैं साहित्य सिद्धांत शास्त्री पढ़ाता था, संस्कृत काव्य शास्त्री पढ़ाता, उसका एक श्लोक कहकर मैं अपना वक्तव्य पूरा करूंगा, उनका पीरियड नहीं है। वो बहुत अच्छा मुझे लगा। संस्कृत में समालोचक आलोचक शब्द है ही नहीं। राजशेखर ने एक शब्द का प्रयोग किया तत्वाभिनिवेशी, तत्व का अभिनिवेशी शब्द कहा है और उस तत्वानिवेशी की जो परिभाषा की है राजशेखर ने कविमांसा वो सुना के अपना वक्तव्य में समाप्त करूँगा। तत्वानिवेश तत्वानिवेशी तो मध्य सहसम यदि एकम, सहस्र लोगों के बीच में भी जो तत्व का अभिनिवेशी होता है वह यदि एक कैसा हो, शब्दानां विविलक्ति गुम्फनविधि आमोदते सूक्तिभि सान्द्रं लेति रसामृतं विचिन्त्ये तात्पर्यविद्यां निजः कदाचित सूर्यान काव्य समुद्ध। एक तत्वानिवेशी आलोचक तो बहुत जो तत्वानिवेश अभिनिवेशी तत्व वाला है उसकी व्याख्या तत्वानिवेशी के रूप की मैं समझता हूँ। भाव उसका यह है कि जो शब्दों की रचना भी का भली भांति विवेचन करता है, सूक्तियों से आह्लादित होते हैं, काव्य के सघन प्रसामृत का पान करता है और रचना की पूर्णता करके को धूम मनाता है, उसको कहते हैं। इसलिए ऐसे आदमी को तत्वानिवेशी संस्कृत के लोग पुराने सहृदय कहा करते, हिंदी कहा करके या भारतीय भाषाओं को कहा करके हम संहृदय तत्वानिवेशी का निर्माण करते हैं। हम केवल छात्र या एमए और पीएचडी करने वाला पैदा नहीं, मेरे सामने आलोचना के समय बराबर यह राजशेखर का मानदंड हमारे सामने जो लिखा है वो वैसा है तो नहीं है इसका मूल्यांकन दूसरे करेंगे तो काम मेरा नहीं है। मैं
अंत में एक और चूंकि अभ्यास कराता था ताकि लोगों को एक हमारा प्रिय आलोचक है तो उसमें नहीं रहा था तो एक संप्रदाय हुआ करता था जिसको फादरिज्म कहते रशियन फादरिज्म और भारतीय आलोचना में रूपवाद जो है गांधी है कि रूपवादी फाद पर जोर देते हैं। उन सबों ने कहा कि नहीं, रूपवाद भी महत्वपूर्ण है और इस पर आइए तो धर्म लेकर के मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बड़ा आलोचक था विक्टर कोर्स, उसने कहा है उसका हिंदी अनुवाद में आप सुन जो जरूरी है पढ़ने वाले के लिए। समुद्र के किनारे रहने वाले लोग समुद्र गर्जन के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें लहरों की लहरों का गर्जन सुनाई नहीं देता। इसी तरह हम अक्सर अपनी आवाज़ भी नहीं सुन सकते, हम एक दूसरे को देखते हुए भी जैसे नहीं देखते हैं। यानी हम लोग साहित्य का कारोबार करने वाले लोग इतने देखते हैं, संस्कृत में शोध करता है अति परिचय आता वक्त अत्यंत परिचय जहाँ होता है वहाँ अभ्यास होती है, अभ्यस्त हम लोग हो जाते हैं। खास किताबों की आलोचनाएं पढ़ते थे, बाकी चीज़ों को पढ़ते थे, ये अभ्यस्तता है वो लगभग करती है हमारी प्रतिभा, हमारी संवेदना को संवेदनशील। इसलिए खासतौर से इसको कहें कि जो मिठाई उठाई का रोजगार करने वाला जो होता है वो आमतौर से मिठास सीखना जैसे भौरे उसको मंगाते हैं तो कहते हैं कि मिठाई के दुकान पर होने वाले भौरे जो हैं उनके काटने से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि टंक उनका समाप्त हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि साहित्य और मधु पी करके आप इतने सबों को हर न जाए तो कम से कम वो विवेक होता है और वो मर न जाए। आमतौर से साहित्य के विद्यार्थी रस रस करने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय में आचार्य तेरा शास्त्र होने की आगे, इसलिए साहित्य के जो रस लेने वाला है और हमारे यहाँ रसिक कहा गया है आप वो रसिक वो है प्रज्ञा वो बुद्धि वो विवेक। हमारे मेरा ही नाम था मैंने प्रेमशंकर वसी किताब जो कलर्स ऑफ क्लैरिटी अंग्रेजी में किताब मैंने पढ़ी थी तो उस किताब के नाम जो कहते थे हमारे कलर्स ऑफ क्लैरिटी उस किताब का जो नाम है विवेक के रंग, विवेक के रंग ये नाम मैंने दिया था। कलर्स ऑफ क्लैरिटी अंग्रेजी में किताब थी तो उसके आधार पर मैंने कहा कि विवेक का भी रंग हुआ करता है। आलोचना रूखी सूखी बातों चीजों पर सास समझ आलोचना में रंग होना चाहिए। ये रंग केवल रंगमंडल के तरफ से नहीं है, इसका प्रयोग माता पर क्या करते हैं करके इसी आधार पर कहा कि दिल का क्या रंग करो उनमें जुड़ा होने जगह होने तक देखकर क्या रंग आप करते हैं ये साहित्य का विद्यार्थी अगर नहीं करता तो हमारा पढ़ना लिखना तो व्यर्थ है ही। मैं समझता हूँ पढ़ाना लिखाना व्यर्थ है, बहुत समय आता है पूरा प्रयोग में ले रहा हूँ। इसके लिए आभार मानता हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय ने मुझे याद किया है, जैसे कि सुना है कि मेरा प्रकाशन मुझे देर से याद करने के बाद।